क्या निकला? और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, कोई किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं बचा होगा जिसमें खोदा ना गया हो। खोदा गया, जांच हुई और जांच के बाद पूरी तरीके से निष्पक्ष, किसी तरह की कोई बात एक्सप्रेसवे में नहीं निकली। और मुझे खुशी इस बात की, देश का और दुनिया का सबसे भारी हवाई जहाज हरक्यूलिस भी उस पर उतर गया। उससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि सबसे ज्यादा वजन वाला अगर हवाई जहाज उस पर उतर सकता है और देश के बेहतरीन लड़ाकू विमान उतर सके, उससे बेहतर क्या हो सकता है? अब तो सरकार कमाई कर रही है उस सड़क से। जांच पे तो कहा कि जांच हो रही है, लेकिन सरकार अब कमाई कर रही है उसके बारे में नहीं बोलेगी। कमाई कर रही है लगातार सरकार उससे। इसी तरह हम कहना चाहते हैं, जब पुरानी पुलिस की भर्ती चल रही थी, यही बीजेपी के लोगों की भाषा क्या थी, ये यहां तक कहने के लिए भी नहीं चूकते थे कि सब इटावा की भर्ती हो गई। इसमें बीजेपी के तमाम लोगों के स्टेटमेंट होंगे रिकॉर्डेड, जिसमें ये कहते थे बीजेपी के लोग कि सब इटावा की भर्ती हो गई, सब एक वर्ग के लोग हो गए। लेकिन उस समय जब परिणाम आया था, मैंने सदन में पूछा था, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, हमने कहा बताओ आज तो परिणाम आ गया है, आप क्या कहना चाहते हो ये बता दो आप। और उस समय बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर के सबसे ज्यादा नौजवानों को पुलिस में भर्ती होने का मौका मिला था। और कई गांव ऐसे हैं जहां पर 200-200 लड़के एक साथ भर्ती पा गए थे। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि ये सरकार केवल बदनाम करना चाहती है, ये सरकार लोगों को परेशान करना चाहती है। और इसी के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब को यह जानबूझ करके परेशान करना चाहती है सरकार। नौकरियां तो निकाली नहीं, ना दे रहे हैं नौकरी रोजगार, जिन लोगों ने दी भी हैं उन पर भी प्रश्न लगा रहे हैं। जल निगम की नौकरी, सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, वहां से भी कुछ राहत मिली कुछ दूसरी चीजों में, लेकिन सरकार जानबूझ करके बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बताओ एक्सप्रेसवे में बदनाम करना चाहती थी सरकार की, नहीं करना चाहती थी? जेपीएनआईसी में करना चाहती थी सरकार की, नहीं करना चाहती थी? ये नदी का जो चैनलाइज हुई है, न जाने कितनी सरकारें आई और कह के चली गईं कि हम गोमती को साफ कर देंगे, हम पेरिस और लंदन जैसी गोमती को बना देंगे। किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई काम करने की। और मुझे ताज्जुब तब होता है कि एक प्रोफेसर जो बीएचयू के थे, कभी कभार मुझसे मिलते थे, पर्यावरण को लेकर के चर्चा होती थी, उन्होंने ही एक सुझाव दिया था वर्णा को लेकर के, कि वर्णा नदी तब साफ दिखाई देगी जब इसमें कोई भी नाला वर्णा नदी में ना गिरे। वो बनारस में हमने काम शुरू कर दिया था। और जब गोमती की जांच हुई तो वही प्रोफेसर उस कमेटी में भी थे। एक कमेटी बनी, फिर मंत्री समूह बना, फिर न जाने क्या क्या बना, सीबीआई को भेजा गया, वापस हो गया, फिर सीबीआई को भेज दिया, फिर ईडी को भेज दिया। ये सरकार कोई काम नहीं करना चाहती है, केवल धोखा देना चाहती है, झूठ बोलना चाहती है। कम से कम मुख्यमंत्री जी गए थे अभी गाजियाबाद, उद्घाटन का उद्घाटन कराए। हम तो उनसे कहते हैं कि तमाम प्रोजेक्ट हैं, दोबारा कर लो उद्घाटन। अपनी सरकार का कोई काम किया हो जिसको पूरा कर लिया हो वो तो बता दो। और कह रहे हैं कि देश की सबसे अच्छी बड़ी एलिवेटेड रोड है, अखबारों में भी छपा, देश की सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड है। और स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि पहले परिवारवाद था, जातिवाद थे,
मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिस एलिवेटेड को उद्घाटन करके आए हैं उसमें यादव लेन कौन सी है, ये मुझे बता दें आप। देश का सबसे बड़ा एलिवेटेड, और शर्म नहीं आ रही, जातिवाद और परिवारवाद का आरोप लगाना एलिवेटेड रोड पर। और मैंने सदन में भी कहा और कई मौकों पर आज भी मैं कहता हूं कि हम स्वीकार करते हैं कि परिवारवाद की वजह से हो सकता खड़े हों, लेकिन जनता के सामने न जाने कितनी परीक्षा दी हम लोगों ने। हम तो आपसे पूछना चाहते हैं, आप भी तो बड़े उस पद पे पहुंच गए, क्या बिना परिवारवाद के आप उस पद पर पहुंच जाते? आप नहीं परिवारवाद से जुड़े हैं। एलिवेटेड रोड उद्घाटन कर दी छपारी, देश की सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड है, लेकिन देखो दिल कितना छोटा है, ये भी नहीं कह पाए कि ये सब काम पुरानी सरकार में हुआ था। कहते हैं हमने पूरा किया है। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि रेल विभाग ने क्यों रोक रखी थी एनओसी, दिल्ली के रेल विभाग ने क्यों रोक रखी थी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, एनओसी क्यों नहीं दिया था? या जो पर्यावरण को देखती है संबंधित संस्था है एनजीटी ने क्यों परमिशन इतनी देर लगा दी, रोक के रखी? लखनऊ की भी मेट्रो इसलिए नहीं शुरू हो पा रही थी क्योंकि रेलवे को सिक्योरिटी और सेफ्टी का एनओसी देना था, रेलवे ने डिले किया जानबूझ करके। ये दावा ठोकते हैं, ये सरकार के लोग दावा ठोकते हैं कि हम डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, डिफेंस कॉरिडोर तो बहुत दूर की बात है, यही पिपरा घाट पर एक पुल का खंभा लगना है, एक पुल लगना है, वो पन्ना केवल एक और लगना है जिससे पुल पूरा बन जाएगा, ये कब पूरा होगा? कुकरेल वाले नाले की बाईपास कब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में काम शुरू हुआ था, लेकिन डिफेंस ने परमिशन नहीं दी। यही लखनऊ को एयरपोर्ट जाने वाली रोड, 5 साल हम कोशिश करते रहे कि हमें एनओसी मिल जाए, डिफेंस हमें परमिशन दे दे जिससे हम रोड चौड़ी कर दें, नहीं दी डिफेंस ने परमिशन। इधर परमिशन चाहते थे सुल्तानपुर वाली, वो भी परमिशन नहीं दी। ये तो एक राजधानी लखनऊ का मामला है, अगर पूरे प्रदेश का देख लोगे तो न जाने कितने जगह पर छोटे छोटे मामले इसलिए रुके पड़े होंगे क्योंकि समय पर एनओसी नहीं मिली है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम किसी के काम में रोड़ा नहीं अटकाते हैं। लखनऊ की मेट्रो में रोड़ा अटकाया, ये एलिवेटेड बनी उसमें रोड़ा अटकाया, ये जो ब्रिज बन रहा है उसमें रोड़ा अटकाया, जो बढ़िया पार्किंग बन जाती ताजमहल के पास उसमें रोड़ा अटका दिया। और फिर हमने तो लिख के दिया था कि ग्वालियर से लेकर के लिपू लेक तक 4 लेन सड़क बन जाए, क्योंकि तमाम डिफेंस के इलाके वहां पर हैं। ग्वालियर का कैंटोनमेंट है, बरेली कैंटोनमेंट है, उससे पहले फतेहगढ़ वाला है कैंटोनमेंट, रानीखेत से लेकर के लिपू लेक चीन के सीमा तक पहुंचती है वो रोड, हमने तो 4 लेन का डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। बताओ बबीना में कुछ काम दिया हो तो बता दो हमें, अगर कहीं भी डिफेंस में नया काम किया हो तो बता दो। और हमने तो चिट्ठी लिखी थी कि एक कम से कम कैंटोनमेंट बन जाए, ये हमारा जो एक्सप्रेसवे इसके किनारे, कुछ दिनों पहले चिट्ठी आई हमारे पास, वो चिट्ठी की कॉपी हम आपको भी दे देंगे कि मामले की जांच करवाई गई है, वर्तमान में सेना द्वारा लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में किनारे कोई भी नई सैन्य छावनी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। एक तक तो डिफेंस कॉरिडोर, इसलिए ये लगातार झूठ बोलने का काम सरकार कर रही है। दूसरे विपक्ष के लोग अपमानित हों, उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाए, एजेंसियां पीछे लगा दी जाए, ये कोशिश है इनकी। इसलिए जो बोगे वो आपको काटना भी आपको ही पड़ेगा, ये भी याद रखना। इसलिए नौकरी दो, रोजगार दो, और प्रदेश के लिए तरक्की के लिए कुछ काम करके दिखाओ। ये फौज बनती चली जा रही है बेरोजगारों की लंबी, किस पे लाठी नहीं मारी आपने?
ब्रिटिश वाले अपना हक मांगने आए, उन पर लाठी मार दी। बीपीएड वाले आए, उनसे झूठ बोल दिया, आश्वासन दे दिया, उन्हें लाठी मार दी। शिक्षा मित्र तो हताश हो गए, निराश हो गए। वो कहते हमें कुछ भी करना पड़े हम बैठे रहेंगे, न्याय लेकर के जाएंगे। शिक्षा मित्रों के जीवन के साथ क्या खिलवाड़ की इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, बताओ। और जिनकी जान भी चली गई कोई मदद नहीं की, और जितनी भी नौकरियां थीं, मिलनी थीं, उसके लिए भी रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। कभी कहते लाखों नौकरियां हैं, कभी कहते हजारों नौकरियां हैं। बिजली विभाग में कुछ नौकरी निकाली थी, कुछ पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया कि परीक्षा रद्द करनी पड़ी। कहने को तो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी शराब की दुकानों के आवंटन था, वो बंद हो गया, चला ही नहीं। अब पता नहीं कैसे कर दिए होंगे, क्या कर दिया होगा। इससे बीजेपी से सावधान जनता को रहना पड़ेगा। अभी तो जनता ने दो ही जगह सबक सिखाया है, दो जगह सबक सिखाया है। अभी जब मैदान में जाओगे, जनता तैयार है आपके खिलाफ। आप जो करना चाहो करो, लेकिन जनता भी तैयार है अपना हिसाब किताब लेने के लिए। और मैं हर बार कहता हूं कि जो जनता को दुख देता है, परेशान करता है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब भी लेने का काम करती है। ये हमारे साथ एक मेरठ की अभी हमें मिल गए, जब मैं आपके बीच आ रहा था, इनका कर्ज माफ हो गया, अब रिकवरी शुरू हो गई। कर्ज माफ के बाद रिकवरी हो गई। मैं कहूंगा माइक से उधर बोल दें कैसे रिकवरी हुई, उधर बोल दो। अभी हमें मिल गए तो मैंने कहा जरा प्रेस को बताओ तुम्हारी कैसी कर्ज माफी हुई, और उसके बाद रिकवरी शुरू हो गई। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछोगे तो बाद में पूछना। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आप सब लोगों को, मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं सरदना विधानसभा से मेरठ से हूँ, और मैं गांव का ग्राम प्रधान भी हूँ। जैसे कि हमारे आपको, आप सभी लोगों को पता है कि कर्ज, किसानों का कर्ज माफ हुआ था कुछ ही लोगों का। अच्छा, जिन लोगों का कर्ज माफ हो पाया था उनके साथ क्या हो रहा है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अभी हमारे गाँव में मुश्किल से छः या सात दिन पहले एक जमालपुर गांव है, मेरा जिला पड़ता है और तहसील सरदना, मदन पाल। तो सर जैसे ही वो बैंक में जाते हैं चार दिन पहले देखने, तो बैंक में उनका कर्ज जो माफ हुआ था वो कर्ज रिकवरी कर ली गई है। और रिकवरी किस तरह से की गई है, जो उनका किसान क्रेडिट कार्ड था, जो कि उनका पहले पूरा क्रेडिट कार्ड 58,682 माफ हो चुका था, वो पूरा का पूरा जो उनके खाते में पैसा आया था गन्ना भुगतान का 65,000 रुपए था, उस गन्ना भुगतान में से 58,682 रुपए उनके निजी अकाउंट से काट लिए गए। ये बात पता करने हम जैसे ही लावड़ शाखा है SBI की, हम उसमें पहुंचे तो हमें सीधा जवाब मैनेजर का मिलता है कि जिन जैसे आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्जा माफ किया था वैसे ही वो वापस ले रहे हैं, हमसे केवल ये बोला गया। और हमारे पास वो प्रमाण पत्र भी हैं, सारे बैंक की स्टेटमेंट भी हैं, जिनके जो पहले माफ हुआ था और उसके बाद रिकवरी कर ली गई, उस पर सीधा लिखा हुआ है रिकवरी UP गवर्नमेंट डेबिट रिसीव्ड, उस पर सीधा साफ तौर पर लिखा गया है। ऐसे 35 लोग हैं हमारे गांव के, 6 लोग हैं और हमारे गांव के आसपास के 12 गांव के 35 लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा किया गया है। एक ही शाखा के 35 लोग हैं। जब हमने मैनेजर से इसका कारण पूछना चाहा तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया अभी तो ये पहली लिस्ट है, ऐसी लिस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में जारी होंगी इस तरह की। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी हमारे गाँव से बाबा जी हैं, बहुत ही गरीब हैं और इतने परेशान हैं, इनके भी पैसे इसी तरह से अकाउंट में, जो इनका KCC दो तरह से रिकवरी हो रही है, जो KCC ग्रीन कार्ड है आपका, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो जो ग्रीन कार्ड आपका बना हुआ है सीधा सीधा आपका जो पैसा माफ हुआ था वो ग्रीन कार्ड में जोड़ दिया गया, और अगर आपके अकाउंट में पैसा है
यानी किसान का अगर पैसा भुगतान मिल कर रहा है, किसान का पैसा आ रहा है, तो सीधा सीधा आपके अकाउंट से पैसा निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड से आपका निजी खाता और क्रेडिट कार्ड दोनों ज्वाइंट है। बैंक भारतीय स्टेट बैंक लावड़ मेरठ। और सर हमने अगर इस बारे में कुछ आवाज उठानी चाहिए तो अब से नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी मेरठ आए हुए थे, तो वो सामने से मंच पर बोल रहे थे कि हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया है, लेकिन इस किसान के बेटे से रहा नहीं गया। और मैंने और मेरे साथियों ने ऊंची आवाज में उनसे पूछा कि साहब कर्ज कहां माफ हुआ है, हमने नारे लगाए और हमने वहां पर विरोध अपना दर्ज किया काले झंडों से भी, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन तमाम ये हमने विरोध दर्ज किया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के इशारे पर वहां पर तमाम हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल के लोगों ने हमें जान से मारने की वहां साफ कोशिश की गई, हम पर हमला हुआ, हम वहां से जान बचाकर भागे, लेकिन तमाम तरह की धाराएं हम पर लगा दी गई, हमें जेल में भी हमारे साथ उत्पीड़न हुआ साहब। ये पेपर में फोटो है मेरा गौरव चौधरी, ये देखिए कितनी बुरी तरह से मारा गया बाल जी, ग्राम प्रधान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा, और यहाँ सभी आदरणीय माननीय नेतागणों का सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इन गरीब बेसहारा लोगों को बोलने का। हमारा गांव जमालपुर है, तहसील सरदना जिला मेरठ जी। ये भी देना, डिफेंस जो चिट्ठी आई थी, डिफेंस की जो चिट्ठी आई थी वो बंटवा देना। इसी तरह महोबा में पिछले कुछ महीनों में, हालांकि मैंने सदन में भी कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस के 27 किसानों ने कर्ज माफी के इंतजार में अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी परिवार को कोई किसी तरह की मदद नहीं पहुंची है। पहले तो किसान दुर्घटना बीमा से कुछ मदद हो जाती थी, और 27 किसान कोई ये समाजवादी नहीं है, वो सामान्य किसान है, आम किसान है, गरीब। और जब से कर्ज माफी हुई 27 तो केवल एक छोटे जिले में जान दे दिए हैं, और पूरे प्रदेश का हिसाब किताब लगाओ तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्या शिक्षा मित्र जान दे रहे, किसान आत्म जान दे रहे, सरकार अपना पूरा ध्यान इस बात पे लगाए हुए है कि राजनीतिक लोगों को कैसे परेशान किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए, उन्हें अपमानित कैसे किया जाए। बहुत धन्यवाद आप सबका। ये आपके भैया, आपने जो है इनडायरेक्ट वे में मुख्यमंत्री जी पर ये परिवारवाद की बात की है, क्योंकि परिवारवाद की वजह से ही यहाँ तक पहुंचे हैं, जरा इसका पता है कि क्या है, कैसे आप ये आरोप कैसे लगा रहे हैं, इसका आधार क्या है? हाँ, आधार तो बहुत अच्छा आपने पूछा। आप तो ये भी पूछते, ये समय ऐसा है कि नाम बदल करके चलते हैं लोग, नाम भी बदले गए हैं, और हमारी जो जानकारी कहती है या गोरखपुर से जो जानकारी मिलती है, अगर रिश्ता ना होता तो शायद उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते जिस स्थान के मुखिया बने हैं वो। ये मुखिया नहीं, ये तो जनता ने बहुमत दिया, जनता ने बहुत समझा कि शायद कर्ज माफ हो जाएगी, नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, बिजली की दरें कम हो जाएंगी, इलाज स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ जाएंगी, इसलिए जनता ने समर्थन कर दिया। इसलिए मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं परिवारवाद, जातिवाद, और मैंने हमेशा कहा सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ा एलिवेटेड
जो सड़क का उद्घाटन कल किया है, इसमें परिवारवाद क्या था और इसमें जातिवाद क्या था, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि एलिवेटेड रोड में परिवारवाद और जातिवाद क्या है। ये जो इलाहाबाद में भी सर तोड़ी गई मूर्ति और नाम, देखिए दलित वर्ग के साथ अन्याय बढ़ा है और जब से बीजेपी सरकार देश में आई है दलित समाज पर अन्याय बड़े पैमाने पर बढ़ा है और उसका उदाहरण आज ही अखबारों में आपने तस्वीर देखी होगी कि एक नौजवान केवल घोड़े पर बैठ गया इसलिए उसकी जान ले ली गई। और जितना भी अपमानित कर सकते हैं ये प्रतिमाओं को तोड़ना इसीलिए कि अपमानित करना चाहते हैं, ये लोग डराना चाहते हैं, लोगों को धमकाना चाहते हैं। देश के दूसरे हिस्से में देखिए क्या हालत है, बिहार में क्या कर दिया है। अब वो समय याद होगा आपको जब मुजफ्फरनगर में हुआ था तो ना जाने क्या क्या कहा जाता था और देखिए बिहार में क्या हो रहा है। ये इन पे विकास का तो है ही नहीं मुद्दा। और एक साल में क्या किया है कुछ बता दें, एक साल में किया हो। जो बजट सबसे ज्यादा किसानों के लिए गया 36,000 करोड़ से ज्यादा बजट गया और एक किसान की हालत देख लीजिए। अभी जो किसान आपके सामने अभी आया ये तो एक आया है, न जाने कितनी रिकवरी ऐसी किसानों से हो रही होगी। तो ये केवल उत्तर प्रदेश के जनता को धोखा दे रहे हैं। अंबेडकर, अंबेडकर का सर नाम बदला गया है, नाम परिवर्तन हुआ है, दूसरी तरफ मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, दोनों का संबंध क्या है? नाम क्या के राम लिखा गया उस पर तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है क्योंकि काम तो करना नहीं है इनको, जनता को उलझाइए, नई चीज लाइए। इसीलिए हमने कई बार कहा कि ये जेब में पुड़िया रखते हैं, क्लोरोफॉर्म भी रखते हैं, ओपियम भी रखते हैं। और माननीय गवर्नर साहब का हर जरूरी नहीं है कि हर बात मानी जाए, उनका हर सुझाव माना जाए। अगर अच्छा होगा तो माना जाएगा, नहीं अच्छा होगा तो नहीं मानेगी सरकार। तो ये आरोप सरकार लगाती है कि पुरानी सरकार को भी कहा गया था लेकिन पुरानी सरकार ने उनके सुझाव नहीं माने, लेकिन हमने बहुत सारे सुझाव माने, उसका आज तक धन्यवाद तक नहीं दिया किसी बात का। उनका सुझाव माना मैंने कि इसका नाम एलेक्सी नहीं होना चाहिए, सचिवालय नहीं होना चाहिए। हमने अपने आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहा कि कोई नाम हमें सुझाव दीजिए, उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यालय का नाम दिया लोक भवन, तो हमने रख दिया लोक भवन। तो ये जरूरी नहीं है कि जो सुझाव दिए जाए वहां से हर सुझाव माना जाए। इसीलिए मैं कहता हूं ये सरकार कोई काम नहीं करना चाहती है और इनके पास कोई है ही नहीं काम करने का तरीका। और दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के अगर जनता को राहत नहीं दे पा रहे हैं तो क्या देंगे, कैसे मिलेगा? ये जब से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर के परिणाम आए हैं उसी का साइड इफेक्ट आपको कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। मैं वो अभी मंत्री हैं शायद अठावले जी, बहुत अच्छे मंत्री हैं, मैं भी सदन में था, उनसे ज्यादा एंटरटेनमेंट सदन में कोई नहीं करता था। मैं इसमें जानकारी कर लूंगा, बिना जानकारी के इस कह पाना मुश्किल है। इसी तरह इलाहाबाद में भी आप जानते होंगे कि किस तरह माइनिंग को लेकर के की जान ले ली। और बांदा में सोचिए कि एक सांसद उनका कह रहा है कि यहां पर अवैध खनन हो रही है, अवैध खनन, और एक सांसद ये कह रहा है कि आरक्षण खत्म हो रहा है धीमे धीमे। सोचो कितने गंभीर सवाल उनके सांसद उन पर लगा रहे हैं। इसलिए ये ध्यान हटाना चाहते हैं, कैसे डिस्ट्रैक्ट करें, कैसे ध्यान हटाएं जनता का, बस यही उनकी साजिश और यही उनका प्रोग्राम लगातार चलता रहता है बीजेपी के लोगों। ये लोकसभा का जो चुनाव गोरखपुर का बाई इलेक्शन जो गोरखपुर फूलपुर का,
भेजे। लोकसभा का जो बाई इलेक्शन गोरखपुर और भोलपुर का है, अभी जो आप बता रहे हैं सेंटीमेंट फेवर में नहीं है, तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश की रैंडम सैंपलिंग है वो? मैं समझता हूँ लाखों लोगों ने खिलाफ मतदान किया है, हर वर्ग के लोगों ने मतदान किया है, और देखिए भाषा कैसी बदल गई उनकी। गठबंधन या सहयोग केवल दो चुनाव को हुआ, और भाषा कितनी बदल गई, और खुशी में इतना सब कुछ भूल गए अभी हाल की जीत में कि बताओ व्रत था और आपके सामने लड्डू खा ले, कम से कम आप तो बता देते कि आप व्रत पर हो। आपने भी उन्हें धोखा दे दिया इस बार। इसलिए अभी तो एक ही गठबंधन हुआ है मान लीजिए, या और दलों का सहयोग लिया है। आप देश की सरकार के बारे में जानकारी करें तो 45 गठबंधन करे हुए बीजेपी ने, 45 गठबंधन। तो अभी तो दो ही चार हुए हमारे गठबंधन, अभी 45 तक पहुंचने में बहुत गुंजाइश है हमारे पास। देखिए ट्वीट तो ऐसा है कि ये भावना है आपकी, और मैं तो कहूंगा कि ट्वीट क्या, हिंदी भी तो बोला करो आप, ट्वीट क्या होता है। अगर ये सूचना सही है कि हमारा सहयोग और हमारी मदद नहीं मिली, तो हम ट्वीट डिलीट कर देंगे, उसमें क्या गलत बात है। कम से कम कोई बात साफ तो हो, आप हमारे साथ हैं तो साथ हैं, खिलाफ हैं तो दूर रहिए हमसे। ये अभी आपको नहीं बताएंगे कुछ भी, समय आने पर आपको बता दिया जाएगा। मैं ये चाहूंगा उन मंत्री जी का जिनका नाम लिया है कि अब वो बोले नहीं, अब कुछ करके दिखाएं। हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना, कम से कम आंखें खुल जाएं ये बहुत अच्छा रहता है। लगता तो नहीं हमारे साथ ही, साथ होंगे सर, और दूसरे को देते होंगे। और कोई पूछना हो तो बताइए, नहीं हम और आप। मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई काम नहीं है, ना योजना है, आपके उद्घाटन के उद्घाटन करना है, और नौकरियों के सवाल पर केवल धोखा देना, आजम खान साहब जैसे वरिष्ठ नेता को भी अपमानित करना, उनके खिलाफ भी साजिश करना, षड्यंत्र करना। ये समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है, पहले भी उठाया और फिर भी उठा रहे हैं। हम सरकार को काम करना चाहिए, और कम से कम काम करके जमीन पर उतारने का फैसला करना चाहिए। और दो दो सरकारें अगर कुछ नहीं कर पा रही हैं, ये किसान अगर दुखी है, और कर्ज माफी वाला सबसे बड़ा मामला था, तो बताओ किसान के साथ ये क्या धोखा हो रहा है कि बैंक उसकी रिकवरी कर रही है, और बैंक रिकवरी क्यों ना करे, क्योंकि बैंक के खजाने में पैसा बचा ही नहीं, जो था भी वो पैसा कुछ लोग लेके चले गए। और सच्चाई ये है, जिस समय वो आंकड़े सामने आएंगे कि बैंकों का कितना पैसा चला गया है, आप भी सोच नहीं पाओगे कि इतना पैसा लोग लेकर के चले गए। ये छोड़ो, अब हम इस पर भाजपा गठबंधन इस बार 50 सीटें जीतेगा, कल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बयान दिया। पूरे देश में तो 50 जीतेगा, तो उसने बहुत बधाई उन्हें। अभी तो बहुत समय है, देखिए ये हम आपसे नहीं कह रहे, ये कहावत है बहुत पुरानी, ना हमने कहावत बनाई है, ना हमने इस कहावत को कुछ और बढ़ाया है, ये कहावत पुरानी है, और ये कहावत पूरी सटीक उतरती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इसलिए हमें कहना पड़ रहा है। मैं पूछता हूं
लखनऊ की मेट्रो में योगदान क्या था, उद्घाटन किया आपने। दिल्ली से जोड़ने वाली नोएडा को जो मेट्रो थी उसमें आपने उद्घाटन किया, आपका योगदान क्या था। ये एलिवेटेड सड़क है, इसमें आपका योगदान क्या है। तो जब कुछ योगदान नहीं है तो फिर वही बात होगी जो मैं कह रहा हूं। बहुत धन्यवाद आप सबका।